जी बिल्कुल सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे में स्पीड काफ़ी रहता है गाड़ी का, और रोड अगर सीधा रहे तो दुर्घटना की संभावनाएं बहुत कम रहती है। अगर टर्निंग आ जाता है तो चलाने वालों को काफ़ी स्पीड होने की वजह से अचानक टर्निंग आता है तो उसको टर्न लेने में तकलीफ होता है। तो सीधा सीधा रोड अगर जाए तो ज़्यादा अच्छा बेटर है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा रहेगा, नहीं तो हाईवा ट्रक वाले लोग काफ़ी एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो सीधा सीधा बनने तो ज़्यादा बेटर है। दुर्घटना का संभावना है, बिल्कुल संभावना है। और शायद आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो बेमेतरा से इस गांव के लिए जो रोड आ रहा है मोहभट्टा तालाब से होते हुए, उसमें I-20 कार में 8 लोगों का टर्निंग के वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में घुस गया था, जिसमें तुरंत ही 8 लोगों का दर्दनाक मौत हो गया था। तो प्रशासन को और शासन दोनों को ये बात का जानकारी होना चाहिए और इसको ध्यान देना चाहिए कि ये जो टर्निंग है जिसमें लोगों का जान ना जाए और सही तरीके से आवाजाही का निर्माण हो सके, उस तरीके से ध्यान दे के इस रोड का जो टर्निंग है, मोड़ है, उसको सही तरीके से ध्यान में दे करके उसको करवाना चाहिए निर्माण। क्योंकि अभी क्या है, अभी बन रहा है, निर्माण हो रहा है, तो वो चीज़ अभी हो सकता है, बाद में सड़क बनने के बाद उसको सीधा करना या सुरक्षित रखना मुश्किल है मेरे हिसाब से। ये जब रोड बनती है तो PWD तकनीकी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और कि कहीं पे भी कोई शार्प या ब्लाइंड मोड़ आता है तो फिर उसकी अलग गाइडलाइन होती है। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि सारी गाइडलाइन का, सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसका ध्यान रखा जाए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।